देखो एफ अपने को गिवन फील्ड है, ठीक है, ते एफ दे एलिमेंट्स हैं, एक गिवन फील्ड ई है साडे कोल, एफ ते ई दे विच एक एम्बेडिंग है, ठीक है, ते असी थ्योरम प्रूव करी सी कि एफ दे विच कुछ नवे एलिमेंट्स ऐड असी करांगे, ठीक है, ता फिर एफ ते एस नू यूनाइट करके जेड़ा सेट बनेगा वो ई दे आइसोमॉर्फिक आ जाएगा, ते एस दे विच किन्ने एलिमेंट्स पाने हैं, जिन्नी इहदी कार्डिनलिटी है किसकी, ई माइनस सिग्मा एफ, इन्हों नू ज्वाइन करके जेड़ा अपने कोल फील्ड बनेगा दैट इज द फील्ड के, और ये जेड़ा फील्ड के है वो हुन ई दे की है आइसोमॉर्फिक। ते लास्ट लेक्चर च मैं एक्सप्लेन किया सीगा कि जे असी आ वाला पोर्शन देखिए जेड़ा पहला रेक्टेंगल मैं बनाया, इस पोर्शन दे विच ए की जस्टिफाई करता है कि एफ जेड़ा है वो सिग्मा एफ दे आइसोमॉर्फिक है, बिकॉज एम्बेडिंग सीगी तो उरे तक के ऑन टू है, तो अगर एफ आइसोमॉर्फिक है सिग्मा एफ दे, एफ अगर फील्ड है दैट्स वाई सिग्मा एफ इज ऑल्सो ए फील्ड। ते अगली गल जेड़ी पूरी आइसोमॉर्फिज्म साडे कोल बनी है इन बिटवीन के एंड ई, के आइसोमॉर्फिक टू ई, ए बड़ी रेक्टेंगल शो कर रही है, तो के ते ई आइसोमॉर्फिक, ठीक है, ते इस पैराग्राफ दे विच इस डायग्राम नू की क्या गया कि असी एफ नू किस दा सबसेट कह रहे हैं, के दा, बट के किस दे आइसोमॉर्फिक हैगा, ई दे, एफ के दे विच कंटेन्ड है, but k isomorphic hai e de, that's why we will consider f is also contained in e due to isomorphism, but directly f the elements e de vich nahi hage, e de vich f di bajaye kehda portion hai, sigma f, that's why we will identify f with the corresponding image sigma f in e, and we can also consider वैसे तो extension f di kaun si ga, k si ga, but k kyunki isomorphic hai e de, ta is karke जेड़ा एफ ई है वो भी एफ का एक्सटेंशन बनया जाएगा, ठीक है, एफ इज ऑलसो बी कंसीडर्ड एज ई इज ऑलसो बी कंसीडर्ड एज एन एक्सटेंशन ऑफ एफ। तो फिर अगली गल एफ दे एलीमेंट्स तो इधर पे हैं, इधर तो एफ दे एलीमेंट्स है नहीं, असी की क्या सी एफ दे एलीमेंट्स नू इधर असी ओही एलीमेंट्स मन्नांगे जो सिग्मा एफ दे एलीमेंट्स, सो वी राइट एक्स इन प्लेस ऑफ सिग्मा एक्स और ईच एक्स बिलोंगिंग टू एफ, सो दैट्स व्हाई जदों भी एफ दे एलीमेंट्स दे उपर सिग्मा लग्या होएगा, एफ दे एलीमेंट्स ऊपर सिग्मा लगन दा मतलब ए एलीमेंट इधर पे है, बट इस पोर्शन नु असी एज ए एफ ही कंसीडर कर रहे हैं, सो दैट्स व्हाई सिग्मा असी इहदा हटा देना है, सिंपली असी की लिखना है नु एक्स ही लिखना है, सिग्मा एक्स नु असी उरे एक्स ही लिखा, जदों भी एफ दे एलीमेंट ऊपर सिग्मा अप्लाई होएगा, एम्बेडिंग अप्लाई होएगी, उस एम्बेडिंग नु असी हटा के सिंपल वही एलीमेंट जेड़ा है वो लिख देना, ठीक है जी। हुन इस कांसेप्ट इस कॉन्सेप्ट नू असी यूज करना है, थ्योरम क्रोनेकर्स थ्योरम है, बट उस तो पहला एक ए थ्योरम आएगी अपने को, इस रिजल्ट नू असी क्रोनेकर थ्योरम दे विच एज ए लेमा यूज करांगे, ठीक है, तो दैट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम क्रोनेकर्स थ्योरम, ठीक है, ये एज ए लेमा उस थ्योरम दे विच यूज होनी है, सो दैट्स वाई इहनू भी नाल तुहानू अच्छी तरह तो समझना है। तो थ्योरम दी की स्टेटमेंट है, पी एक्स इज एन इररेड्यूसिबल पॉलीनोमियल इन कैपिटल एफ एक्स, एक इररेड्यूसिबल पॉलीनोमियल है फील्ड एफ दे विच, ठीक है, फील्ड एफ च ही इररेड्यूसिबल है, तो ऑब्वियसली जे इररेड्यूसिबल है तो इहदा फील्ड एफ दे विच भी रूट नहीं होएगा, क्योंकि जे रूट हुंदा फिर इह रेड्यूसिबल हो जाता, तो फील्ड एफ दे विच तां इहदा रूट है नहीं, बट कहिंदा इह नहीं हैगा कि ऐसी पॉलीनोमियल दा रूट नहीं होएगा, दिस पॉलीनोमियल हैज ए रूट बट वेयर इन द एक्सटेंशन ई ऑफ, तो हरेक पॉलीनोमियल दा रूट हुंदा है, जे उसे फील्ड विच नहीं हैगा तां उस फील्ड दी किसे, जे उस फील्ड विच नहीं हैगा तां फील्ड दी किसे एक्सटेंशन विच हो जाएगा। हुण क्लियर आ रही है जी आवाज, अगर पॉलीनोमियल तेरे तुहाडा नेटवर्क ठीक है जी, मेरा क्लियर है सर, तां पीएक्स पीएक्स इररेड्यूसिबल पॉलीनोमियल है अगर कैपिटल एफ दे विच, ठीक है, तां ऑब्वियसली एफ दे विच उहदा रूट नहीं हैगा, ता इट मीनस ओदा रूट किथे होएगा फिर एफ दी किसे एक्सटेंशन दे विच, ए असी प्रूव करना है, ता इहदे लई मैं जेड़ी फील्ड ई डिफाइन करनी है वो ए है इस क्वेश्चन दे विच। हुण तुसी कहोगे कि ए किस टाइप दी फील्ड है, इहनू ध्यान नाल समझो, पहला पी एक्स की है इररेड्यूसिबल एलीमेंट इन कैपिटल एफ एक्स, प्रीलिमिनरी कॉन्सेप्ट की जेड़ी वीडियो नंबर 3 सीगी ओदे विच मैं एक रिजल्ट दिता सी, इफ ए इररेड्यूसिबल एलीमेंट है
अगर ए इरेड्यूसिबल एलिमेंट है किसी भी रिंग का इरेड्यूसिबल एलिमेंट देन जेड़ा आइडियल जनरेटेड बाय ए हुंदा दैट इज ए मैक्सिमल आइडियल ए प्रीलिमिनरी कॉन्सेप्ट्स वीडियो 3 उस दे विच तुसी इनु चेक कर सकते हो ओके मैं रिजल्ट तुहानू दित्ता सी तो उरे भी वही चीज है px की है इरेड्यूसिबल एलिमेंट है इन कैपिटल fx px इज इरेड्यूसिबल एलिमेंट इन कैपिटल fx so ideal generated by px is a maximal ideal in capital fx te fir apne kol result hunda hai r by m is a field jadon assi a question ring banane ha ta a wali question ring jehdi hai oh ek field aundi hai kadon if and only if m is maximal ideal eh vi main preliminary concept 3 de vich eh result tuhanu ditta si eh ore hun assi use karange this is the result R by M is a field if and only if M is a maximal ideal. तो उरे भी तुसी देख सकते हो ये R है, ये तो डेली M है, और M जेड़ा है वो सी already किया है का it is a maximal ideal. तो इस करके A जेड़ा है f(x) by ideal generated by p(x) it is a field and we define it as E. जेड़ा E ऐसी question जो exist करवा के दिखाना है, वो E ऐसी R define करता है. हाँ जी उरे तक समझ आ गया पहला सारे हम? Yes sir. Yes sir. Yes sir. प्रूफ करनी है एक तो ई नू प्रूफ करना है एफ दा एक्सटेंशन है और दूसरी गल प्रूफ करनी है इस एक्सटेंशन ई दे विच px पॉलीनोमियल दा एक रूट है वी हैव टू प्रूफ ई एज एन एक्सटेंशन ऑफ एफ एंड द पॉलीनोमियल px एज ए रूट ए दो गल्लां सी प्रूफ करनी है इस थ्योरम दे विच तां हुण कल दा जिहड़ा रिजल्ट सीगा पिछली वीडियो दा जिहड़ा रिजल्ट सीगा ओह ए सीगा कि अगर ई नूं एफ दा एक्सटेंशन बनाना है तां तुसीं की करो जस्ट एफ ते ई दे विच एक एम्बेडिंग जिहड़ी हैगी है ओह प्रूफ कर दो एग्जिस्ट करदी है ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹੋ ਕਿ देयर इज एन एम्बेडिंग बिटवीन एफ एंड ई देन ई इज एन ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਐਫ ਜੇ ਹੁਣੀ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਸੀਗੀ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਗਿਵਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਨਾ ਕਿ ਐਫ ਤੇ ਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਬੈਡਿੰਗ ਹੈ ਗਿਵਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਐਫ ਤੇ ਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਬੈਡਿੰਗ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹੀ ਗਿਵਨ ਸੀਗਾ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕੀ ਜਿਹੜਾ e ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ f ਦਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ e ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਹੈ f ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ f ਤੇ e ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਐਮਬੈਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮੈਪ ਅਸੀਂ ਆ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ e ਤੇ f ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ ਸਿਗਮਾ ਫਰੋਮ f ਟੂ e ਗਿਵਨ ਬਾਈ ਸਿਗਮਾ a ਇਕੁਅਲ ਟੂ a ਬਾਰ ए बार का मतलब की है बार मीनस क्योंकि जो बाय दे विच असी लिखा होंगे ठीक है तो यह कोसेट्स होंगे ना इस दे जो एलीमेंट्स हैं आर बाय एम दे एलीमेंट्स इस टाइप के कोसेट्स होंगे ए प्लस एम वेयर ए बिलोंग्स टू आर ए डेफिनेशन होंगी आर बाय एम तो इस तरह जो एफ एक्स बाय पी एक्स है ये एलीमेंट्स किवें दे होंगे एलीमेंट ऑफ एफ एक्स ठीक है प्लस आइडियल जनरेटेड बाय पी एक्स एवं दे होंगे हम एक गल ध्यान दो उरे मैं लिता ए ए की दा एलिमेंट है इनपुट ए सेम आही वाला ना ए वाला ए की दा एलिमेंट है एफ का तो ऑब्वियसली जे ए एफ नू बिलोंग करता है तो ए वाला ए असी कह सकते हैं एफ एक्स नू भी बिलोंग करता है मैं दस्या सीगा ना ए भी प्रीलिमिनरी थ्री का कॉन्सेप्ट है कि हरेक रिंग है जिहड़ी वो अपने रिंग ऑफ पॉलीनोमियल्स दे विच कंटेन्ड होंदी है समझ आ रही है मेरी गल सारे ए वाला ए वैसे तो एफ का एलिमेंट है सो वी कैन आल्सो कंसीडर ए एज एन एलिमेंट ऑफ कैपिटल एफ एक्स एज एफ इज ए सबसेट ऑफ कैपिटल एफ एक्स सो असी इस करके इस रिंग का जो एलिमेंट है एफ एक्स बाई पी एक्स का आ भी कंसीडर कर सकते दिस इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ दिस रिंग एफ एक्स बाई पी एक्स या इस फील्ड का भी बोल सकते इस फील्ड का ही एलिमेंट एफ एक्स बाई पी एक्स इनपुट असी एफ का एलीमेंट किया आउटपुट सानू कि एलीमेंट मिल रहा है एफ एक्स बाई पी एक्स मतलब ई का एलीमेंट मिल रहा है आउटपुट ठीक है हम अस प्रूफ करा मैप अस डिफाइन कर लिया
कि ये जेड़ा मैप है ये एम्बेडिंग है, क्योंकि जे एम्बेडिंग प्रूफ कर लांगे तो साडा फर्स्ट पॉइंट जेड़ा है ये जस्टिफाई हो जाएगा कि E इज एन एक्सटेंशन ऑफ F। इस तरह से इसे वेरीफाई करना ते अगर इसमें एम्बेडिंग प्रूफ करना है तो इसनों सानू प्रूफ करना पड़ेगा कि यह रिंग होमोमॉर्फिज्म है ते यह वन वन है। तो सिग्मा जेड़ा है ये ऑब्वियसली एक रिंग होमोमॉर्फिज्म हैगा, ये तुसी लोअर क्लासेस दे विच जेड़ा है प्रूफ किया होया बिकॉज आ चीज तुसी करदे हुंदे हो ना ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी बार एंड यू कैन इजिली ब्रेक द बार लाइक दिस ए बार प्लस बी बार एंड दिस इज सिग्मा ए कोसाइट्स की प्रॉपर्टी करके वैलिड होता है सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी। ठीक है एंड सेम थिंग इज फॉर मल्टीप्लीकेशन, जब मल्टीप्लीकेशन पा लोगे अगेन यू कैन ब्रेक द बार्स सो इट विल बिकम सिग्मा ए इनटू सिग्मा, सो दैट्स व्हाई इट इज ऑब्वियसली अ रिंग होमोमॉर्फिज्म। ठीक है जी क्लियर है सारे नो एंड एम्बेडिंग जो शो करना है तो सेकेंड थिंग असी शो करनी है इट इज ए वन वन मैप। तो वन वन दे लई की क्राइटेरिया होंदा है टेक सिग्मा ए इक्वल टू सिग्मा बी हेंस वी हैव ए बार इक्वल टू बी बार दैट मीन्स ए बार मीन्स ए प्लस आइडियल पी एक्स बी प्लस आइडियल पी एक्स। उन जो कोई दो कोसेट्स इक्वल होंदे हैं देन द रिजल्ट इज तुसी आ प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कोसेट्स की ए प्लस एच इक्वल टू बी प्लस एच, हाँ जी दस सकते हो कोई भी देन की इंप्लाई होंदा इस तो ए बिलोंग्स एच अगर कोई दो कोसेट्स इक्वल होते हैं देन व्हाट वी कैन से जनरली ये कदों पॉसिबल है व्हाट इज द कंडीशन फॉर टू कोसेट्स टू बी इक्वल ए प्लस एच इक्वल टू ए और बी बिलोंग टू एच नो ए बिलोंग ए माइनस बी बिलोंग्स टू एच दिस इज द रिजल्ट। सो सेम हेयर ये तुसी अप्लाई करो ये तो अड़ा H है एक तरह। ठीक है सो वी हैव ए माइनस बी बिलोंग्स टू आइडियल पी एक्स। नाउ एक चीज नोट करो जे ए माइनस बी आइडियल पी एक्स नू बिलोंग कर रहा है पी एक्स की है वी आर गिवन एन इररिड्यूसिबल पॉलीनोमियल सो दैट्स व्हाई इट शुड बी ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू वन घट्टो घट्ट इहदी डिग्री वन तो होएगी होएगी इररिड्यूसिबल पॉलीनोमियल है तो इट मीनस it is not a constant value px is not a constant polynomial it is a proper polynomial te a jada difference hai sade kol a minus b it is a constant ye constant hai constant matlab kyunki a f de elements hai na field f de elements these are not polynomials these are constants a minus b and we are saying that a constant belongs to the ideal generated by a polynomial ek constant jada hai आइडियल जनरेटेड बाय पॉलीनोमियल नू बिलोंग कर रहे हैं तो इस दे विच सारे एलिमेंट्स जेड़े हैं किस तरह दे होंगे जेड़े px दे मल्टीपल्स हैं px इनटू gx मल्टीपल ऑफ px इस टाइप दे एलिमेंट्स हैं दे विच बट इको एक एलिमेंट जेड़ा है इस आइडियल दे विच कांस्टेंट है एंड दैट एलिमेंट इज जीरो एलिमेंट बिकॉज़ जीरो इज आल्सो ए मल्टीपल ऑफ px अदरवाइज जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं दे ऑल आर प्रॉपर पॉलीनोमियल सो ए भी एक कांस्टेंट है और एदा मतलब जे इनू बिलोंग करता है तो कांस्टेंट दे ही इक्वेट फन करना पड़ेगा दैट्स व्हाई ए माइनस बी इज इक्वल टू जीरो। समझ आई मेरी गल सारे सर एक और जो सियो कि जीरो नु आपा पॉलीनोमियल तो नहीं है ये केड़ा जीरो जीरो इज आल्सो तुसी के कि जीरो जेड़ा है वो px दा मल्टीपल है बिकॉज़ जीरो इज जीरो इनटू px सो जीरो आल्सो बिलोंग्स टू आइडियल px और इको एक यही कांस्टेंट है जेड़ा आइडियल पीएक्स नु बिलोंग करेगा अदरवाइज रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर पॉलीनोमियल्स। ठीक है हर एक आइडियल विच जीरो एलिमेंट हुंदा ही हुंदा है बिकॉज़ जीरो नु असी हर एक एलिमेंट दा मल्टीपल लिख सकते हैं तो इको एक एलिमेंट कांस्टेंट है इस आइडियल दे विच दैट इज जीरो तो इसे करके उसे दे ही इक्वेट कर सकते हैं और कोई ऑप्शन नहीं सो दैट्स व्हाई वी हैव ए इक्वल टू बी दैट मींस सिग्मा इज ए एम्बेडिंग। समझ आ गया सारे हम यस और अगर सिग्मा एम्बेडिंग है सिग्मा अगर एम्बेडिंग है सो वी कैन रिगार्ड ई एज एन एक्सटेंशन फील्ड ऑफ एफ। क्लियर है जी तो ई नु असी एफ दा एक्सटेंशन फील्ड मान सकते हैं तो पहला पॉइंट जस्टिफाई हो गया साडा क्वेश्चन दा दिस वन ये ओके हो गया। नाउ
we have to prove in the extension E, Px has a root. ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ Px ਹੈ ਇਹਦਾ E ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੂਟ ਹੈਗਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਰੂਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਰੂਟ E ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸਟੈਪਸ ਹੈ ਸੋ ਲੈਟ ਅਸ ਸਪੋਜ਼ ਦ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਫ Px ਠੀਕ ਹੈ ਸਪੋਜ਼ Px ਇਸ ਦਿਸ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਨਾਓ ਜੇਕਰ Px ਇਹ ਵਾਲੀ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਹੈ ਇਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ Px ਬਾਰ Px bar मुझे तुसी ब्रेक करो इट विल बी Px प्लस आइडियल जनरेटेड बाय Px यही मीनिंग होया है दा ठीक है तो कोई मैंने दस सकता है इसका फाइनल इसका आंसर की होएगा Px प्लस आइडियल जनरेटेड बाय Px दिस इज इक्वल टू की आएगा ओके मैं थोड़ा जा होर तुहानू सौखा कर देना ए प्लस एच दा आंसर की हुंदा है जे मैं तुहानू ए कहां कि ए बिलोंग्स टू एच है अच्छा अगेन इट इज एच अच्छा ठीक है क्लियर है सारे यस पूरे ए तुहाडे लई ए है ए तुहाडे लई एच है ओके तो इट मींस ए दा आंसर की होएगा एच मींस आइडियल जनरेटेड बाय आइडियल पी एक्स ठीक है चलो इन्नी की गल तो समझ आ गई हुन अगली गल जड़ी है इसनु असी लिखांगे px बार ठीक है मैं वापस इनु बार दे विच लिख रहे हैं इसनु दस सकदे हो किदा बार लिखांगे जेड़ा राइट साइड ते है जिवें इसनु लिखा px बार इनु किस दा बार लिखांगे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਐਡ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਾਹਰ ਲਿਖਦੇ ਆ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਐਡ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਐਡਿਡ ਹੈ ਯੈਸ ਸਰ ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਵੀ ਕੈਨ ਰਾਈਟ px ਬਾਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਜ਼ੀਰੋ ਬਾਰ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆ ਸਟੈਪ ਆਇਆ ਨੇ ਸਮਝ ਆਈ ਗੱਲ ਨੋ इधर कल्ला आइडियल px है ना इधर कल्ला आइडियल px है ठीक है ते जो चीज इस दे विच प्लस हुई हुंदी है ओदा बार लिखदे हां असि ते हुन असि इधर की मान सकदे हां इदे विच जीरो प्लस होया हुआ है सो दैट्स व्हाई इट इज जीरो वैसे भी ये चीज हुंदी है ठीक है जेड़ा भी कोई ए हमेशा याद ही रखो अगर a बिलोंग्स टू h है ठीक है देन a बार इज जीरो ऑलवेज इदा कारण यही है जो मैं एक्सप्लेन कीता हां ठीक है ਤਾਂ ਉਰੇ ਚਾਹੇ 0 ਬਾਰ ਪਾਣਾ ਪਾ ਲਓ ਤਾਂ ਉਰੇ ਇਨ e ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਤਾ ਤਾਂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ 0 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ e ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯੈਸ ਸਰ ਤਾਂ px ਬਾਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਇਨ e ਹੁਣ px ਬਾਰ px ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੋ ਇਹਦਾ ਹੋਲ ਬਾਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲ ਇਨ e ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ e ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਗਮਾ ਹੋਮੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ ਬਾਰ ਅੰਡਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਜੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅੰਡਰ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਸੀਗੇ ਨਾ a1 into x ਤਾਂ ਉਰੇ x ਬਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ an ਬਾਰ x ਬਾਰ n ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਗਮਾ ਹੋਮੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਬਾਰ ਸਿਗਮਾ ਕਰਕੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇਹ ਬਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਲੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਇਨ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਥਿੰਗ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਇਹ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਕਿਹਦੀ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਸੀਗੀ fx ਦੀ ਇਫ ਦਿਸ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਕੈਪੀਟਲ fx ਦੈਨ ਵਾਟ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਆਲ ਥੀਸ ਕਨਸਟੈਂਟਸ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ f ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲ ਯੈਸ ਸਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਨਸਟੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਨਗੇ ਕੈਪੀਟਲ F ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੈਪੀਟਲ F ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਰੇ ਬਾਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਬਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਸਿਗਮਾ A ਨਾਟ ਬਾਰ ਮੀਨਸ देयर इज ए ਸਿਗਮਾ ਅਪਲਾਈਡ ਓਵਰ A ਨਾਟ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਸੀਗੀ ਨਾ ਸਾਡੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਪ ਦੀ ਕਿ A ਨੂੰ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਆ ਦੇਖੋ A ਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ so that's why
ਇਹ ਬਾਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ a ਨਾਟ ਦਾ ਬਾਰ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਸਿਗਮਾ a ਨਾਟ ਸਿਮਿਲਰਲੀ a1 ਬਾਰ ਇਜ਼ ਸਿਗਮਾ a1 ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਚ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ f ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਉੱਪਰ ਅਗਰ ਸਿਗਮਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਸਿਗਮਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਯੂ ਕੈਨ ਚੇਂਜ a0 ਬਾਰ ਵਿਦ a0 a1 ਬਾਰ ਵਿਦ a1 and so on a2 bar with a2 and all that an bar with an samajh aa gayi gal saryan te check karo fir next jehdi polynomial likhi hoyi hai ohde vichon assi bars jehde hege hain sirf a0 a1 an inna sare upar nu hata ditte clear ho gaya step saryan haan ji clear hai saryan Yes, sir. ते bars सिर्फ किधे ऊपर रह गए x दे ऊपर और x दे ऊपर bar दा मतलब की है x plus px जो आ लिखा है yes sir x plus px yes sir और एक इधर element होएगा obviously e दा e ता हुन इसनू और इसनू compare करो दोनों आपस की difference है दोनों what is the difference between these two polynomials की फर्क है एक्स है इत्थे की है एक्स बार है और सेकंड थिंग इक्वल टू ए जीरो भी है राइट मींस इन वही कहेंगे ना कि पी एक्स बार इज जीरो तो जदों इस पी एक्स दे विच असी एक्स नु की इनपुट किया एक्स बार आंसर आ गया जीरो So what we can say, x bar is a root of px. All clear hoi ki nahi? The jada x bar hai, wo kinu belong karda si ka e nu. So we have the second point also, the root of the polynomial px lies in e. Te hi aise prove karna. Haan ji, kise nu koi doubt hai ta clear kar lo, fir main di example jedi hai, wo karwani hai. Anyone? पूरी पिक्चर क्लियर हो जानी ठीक है जी मैं नेक्स्ट एग्जांपल बनाने लगा हां जी नजर आ रहा सारे नु स्क्रीन ते वाइट स्क्रीन फील्ड ऑफ रियल नंबर एक्स स्क्वायर प्लस वन बिलोंगिंग टू आर एक्स दिस इज माई पी एक्स ऑफ द प्रीवियस थ्योरम ठीक है px ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਕਿ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਇਰੈਡਿਊਸੀਬਲ ਯੈਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਰੈਡਿਊਸੀਬਲ ਓਵਰ r ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਵਨ ਥਿੰਗ ਯੂ ਆਲ ਨੋ ਦੈਟ x ਸਕੁਆਰ ਪਲੱਸ 1 ਹੈਜ਼ ਏ ਰੂਟ ਆਇਓਟਾ ਦੈਟ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ c ਇਹ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ r ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ c इस दे विच एदा रूट है नाउ जेड़ा सी प्रोसीजर पिछली थ्योरम दे विच अडॉप्ट किया उस दे विच असी ई नू कुछ इस तरह का डिफाइन किया सी आर एक्स बाय आइडियल जनरेटेड बाय पी एक्स यही सीगा ना नाउ आई विल प्रूव दैट दिस इज आइसोमॉर्फिक टू सी आपां ही प्रूव किया ना पिछली थ्योरम की इस टाइप दी जेड़ी आपां कंस्ट्रक्शन की उत्थे इस दे विच इस पॉलीनोमियल दा एक रूट प्रेजेंट सीगा एंड सानू सारिआं नू पता है इहदा रूट तां आयोटा हुंदा है जिहड़ा सी दे विच प्रेजेंट है सो आई विल प्रूव हियर आर एक्स बाय आइडियल पी एक्स इज आइसोमॉर्फिक टू सी देन गल क्लियर हो जाएगी इह सारी ते हुण इहनू फाइंड किवें करना है इहनू कंस्ट्रक्ट किवें करना है उहदा क्राइटेरिया देखो की हैगा इहनू फाइंड करन दा मैथड इह हुंदा है टेक ए जनरल एलीमेंट ऑफ आर एक्स दा जनरल एलीमेंट लै लो सपोज इट वन दिस इज ए नॉट ए वन एक्स दिस वन ए एन xn this is any element of rx
ते rx by px दा जे element find करना है, then divide इस polynomial नूं मैं gx कह लेना, divide gx by px, divide gx by px. हुण जब तुसी इहनूं px नाल divide करोंगे, px किन्ने degree दा polynomial है? 2 degree. So जे तुसी इहनूं divide कीता, you will get a quotient and plus a remainder. और अगर तुसी ए रिमाइंडर लिखता हैगा ता इस रिमाइंडर दे ऊपर की कंडीशन होएगी, दिस रिमाइंडर हैज डिग्री लेस देन और इक्वल टू 1, क्योंकि px जिस दे नाल डिवाइड कीता ओदी डिग्री 2 है, रिमाइंडर दी डिग्री लेस देन और इक्वल टू 1 रहेगी. हुन ए जेड़ा एलिमेंट है इसनु gx नु असि इस तरह लिख लिया हैगा x2 + 1 qx + rx. हुन rx / px दा कोई जनरल एलिमेंट यही होएगा ना, gx + ideal generated by px, this one. ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ gx plus ideal generated by px ਕਰ ਦਈਏ, ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? gx ideal generated by px ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਾਈਨਲੀ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਚੇਗਾ ਉਰੇ. ਹੁਣ ਫਾਈਨਲੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਚੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ px ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਤਾ, ਕੋਸੈਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਸੇ ਕੋਸੈਟ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ a + h = h. ਤਾਂ ਆ ਸਾਡਾ px ਹੈ, px * qx ਹੈ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਮਲਟੀਪਲ ਆਫ px. ਤਾਂ ਇਹ ਇਸੇ px ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ. ਯੂ ਵਿਲ ਰਿਮੇਨ ਵਿਦ rx + ideal generated by px. That means you will remain with rx bar. Aur rx di jehdi maximum value hai sade kol, it is a polynomial of degree 1. This is the value of rx. So a plus bx the bar. That means it is a bar plus b bar x bar. Again, bar over the elements of field f can be removed. We will get a plus bx bar. ए वाली फील्ड अपने को बनी आर एक्स बाय आइडियल जनरेटेड बाय पी एक्स, दिस इज द फील्ड. ठीक है, हुन एहो जी ही कुछ डेफिनेशन अपने को कॉम्प्लेक्स नंबर दी हुंदी है. कॉम्प्लेक्स नंबर दी यही हुंदी है, ए प्लस बी आयोटा इन विच ए एंड बी बिलोंग्स टू आर. उरे भी यही है, ए एंड बी बिलोंग्स टू आर. ते एक्स बार है बट उरे आयोटा है. हुन एक्स बार की है? रूट ऑफ द पॉलीनोमियल. एक्स बार दी वैल्यू देखो की बननी, x bar is equivalent to iota. समझ आई गल? तो a definition और a definition, they are similar. So असी proof of the theorem दे विच आ वाली field construct कीती सी rx by px, ठीक है? ते a वाली field तुसी देख सकते हो आही c दे isomorphic.